तीन तरह के लोग हैं इस पृथ्वी पर। पहली तरह के लोगों को हम कहते हैं तथाकथित नास्तिक। वे कहते हैं कि जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हमने समझा नहीं, उसको मैं कैसे मान लूं कि वो है। जो कभी सामने आया नहीं, उसको मैं कैसे मान लूं कि वह है। तो नास्तिक कहता है कि वो सामने आए, उसे दिखाओ, उससे परिचय हो, उससे उसकी प्रतीति हो, तब तो हम मानेंगे कि वो है, अन्यथा हम कैसे मान सकते हैं। वो तमाम सारे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि के लोग कहते हैं कि जिस चीज़ को हम जानते नहीं, उसको हम मान नहीं सकते। जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा है वो जानते होंगे कि किसी भी एटम की जो लोएस्ट पार्टिकल है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो विद्युत का आखिरी बिंदु है, आखिरी कण है, उससे छोटा कण संभव नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन है जिससे सारा जगत बना है। वो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, छोटा से छोटा सूक्ष्मतम, कि उससे भी छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वो इतना छोटा हो जाता है कि उसे देखा नहीं जा सकता, ना उसको अनुभव किया जा सकता है। लेकिन वैज्ञानिक उस इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन है। जब हम एटम को तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन रूपों में विभक्त होता है। इलेक्ट्रॉन को वो अनुभव नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, उसकी कोई प्रतीति नहीं होती है, लेकिन उसको मान लेते हैं। क्यों? किसी वैज्ञानिक ने उसको आज तक देखा नहीं, किसी लेबोरेटरी में प्रयोग करने वाले व्यक्ति ने उसे अनुभव नहीं किया, फिर भी मान लेता है। वो कहता है मान इसलिए लेते हैं कि इसके परिणाम आते हैं, इसके इफेक्ट्स आते हैं, इसके रिजल्ट्स आते हैं। कारण सूक्ष्म होता है लेकिन परिणाम स्थूल होते हैं। तो परिणाम को देखकर मान लेते हैं कि कारण जो है वो भी होगा। लेकिन जब परमात्मा की बात आती है तो यहाँ भी तो परिणाम तमाम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उन परिणामों को पैदा करने वाला हाथ नहीं दिखाई देता। इसलिए नास्तिक लोग कहते हैं कि वो हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा है, परिणाम भले ही दिखाई पड़ रहे हैं तो हम कैसे मान लें। परिणाम तो चारों तरफ भरे पड़े हुए हैं। एक फूल खिलता है, अद्भुत घटना है। एक छोटा सा बीज, एक कठोर बीज धरती में फूटता है, अंकुरित होता है, पौधा बनता है, उसमें फूल की कली खिलती है और सौंदर्य से भरा हुआ फूल खिलता है। पक्षी अंडे देता है, अंडे से बच्चा निकलता है और धीरे धीरे पंख पसारता हुआ आकाश में उड़ता है। माँ के गर्भ में बच्चा प्रवेश करता है, बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जवान होता है और बच्चे को अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत जीवन मिलता है। ये अद्भुत कृत्य, अद्भुत परिणाम इस पूरे अस्तित्व में चारों तरफ फैले हुए हैं और सब कुछ एक नियम से हो रहा है। ऋतुएं हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये विराट संसार। जाने कितने ग्रह उपग्रह इस ब्रह्मांड में लट्टू की तरह लटके हुए हैं, कोई एक दूसरे से टकराता नहीं। इतना सारा कृत्य हो रहा है, इसमें कहीं कयास नहीं है। संपूर्ण विराट अस्तित्व इसमें कयास नहीं है, इसमें कॉस्मोस है। लेकिन इसके पीछे कोई हाथ नहीं दिखाई पड़ता तो हम मान लेते हैं, हम कहने लगते हैं कि कोई इसका करने वाला नहीं है, ये अपने आप हो रहा है। क्या कहते नास्तिक? क्या कहता है कि ये सब अपने आप हो रहा है, ये परमात्मा नहीं कर रहा है, ये अपने आप हो रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमात्मा की परिभाषा ही यही है कि जो स्वयंभू है, अयोनि है, वो किसी योनि से नहीं पैदा हुआ है, स्वयं प्रकट हुआ है, स्वयं अभिव्यक्त है और
जो स्वतः सब कर रहा है उसका करने वाला कोई नहीं, वो स्वतः सबका करने वाला है, यही परमात्मा की परिभाषा है।